हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ ब्रोनेरा 77 का एक न्यू वायरल एडिटिंग ट्यूटोरियल, जो अभी के टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और अगर आप लोग भी इस टाइप के वीडियो बना के अपलोड करते हो तो आपका वीडियो भी यार वायरल जा सकता है। और हर बार की तरह मैं इस बार भी आप लोग के लिए फुल डिटेल ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। VPN कनेक्ट करके आप लोग को आ जाना है कैपकट एप्लीकेशन में। और आप लोग को इस वाले वीडियो बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है डिजर्ट ईगल की क्लिप की, शॉटगन की क्लिप, और सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी बॉड पैकर गन की। तो आप लोग इन तीनों गन की क्लिप को रिकॉर्ड कर लेना, और उसके बाद में अपनी क्लिप को आपको इम्पोर्ट करना है। देन आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है म्यूट क्लिप ऑडियो पर, ठीक है। देन आप लोग को नीचे आना है एस्पेक्ट रेशियो में, यहाँ पे आप लोग शॉर्ट वीडियो के साइज को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद में आप लोग को अपनी वीडियो की क्लिप को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे गाइस आप लोग को बेसिक में आना है। देन बेसिक में आने के बाद जो एक्स एक्सिस है इसको आप लोग कर देना 31, ठीक है। आप लोग जब भी कोई भी न्यू क्लिप इंपोर्ट करोगे तो आप लोग को बेसिक में आके ये वाली सेटिंग करनी है जो कि मैं बता रहा हूँ। देन स्केल में आ जाओ, यहाँ पे आप लोग को करना है 265, ठीक है। इसके बाद में गाइस आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इधर एक ऑडियो को लेके आना है जिसपे हम मतलब अपनी वीडियो को एडिट करने वाले हैं। सो ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो मैं जल्दी से लेके आ जाता हूँ। सो आपको ये वाली क्लिप मिलेगी, इसमें से आप लोग को ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना रहेगा। सो मैं नीचे फाइंड कर लेता हूँ ऑडियो एक्सट्रैक्ट। सो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो करने के बाद में आप लोग को वीडियो वाली क्लिप को डिलीट कर देना है क्योंकि हमारे पास में ऑडियो आ चुका है, ठीक है। अभी आप लोग को ऑडियो को करना है सेलेक्ट, और नीचे आप लोग को मिल जाएगा बीट का ऑप्शन, सो उस पर आ जाना है। अब वीडियो में जहाँ पे भी बीट है वहाँ पे आप लोग को ऐड बीट करके उसको मार्क कर लेना है। मैं आप लोग को एक दो करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। जैसे कि गाइस यहाँ पे ग्राफ ऊपर है बेव, तो आप लोग को यहाँ पे आना है और यहाँ पे ऐड बीट कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे भी आप लोग को करना है ऐसे, आप लोग को अच्छे से सुन के कर लेना है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे एक बीट था तो मैंने यहाँ पे उसको भी मार्क कर लिया है। ऐसा करके आप लोग को पूरे ऑडियो पे ऐड बीट करके मार्क कर लेना है। सो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने पूरे ऑडियो पे बीट मार्क अच्छे से कर लिया है, आप लोग भी कर लेना। इसके बाद में गाइस आप लोग को क्या करना है, जो भी आप लोग की रिकॉर्डिंग है उसमें से आप लोग को क्लिप निकालनी है और इस बीट के साथ में उसको मैच करना है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ आपको वो कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले फाइंड कर लो आप लोग ने डेजर्ट ईगल या वॉट पैकर से कहाँ पर किल किया है। सो जैसे कि गाइस पहला किल मेरा यहाँ पे हुआ है डेजर्ट ईगल से, तो मैं पहले थोड़ा सा आ जाऊँगा इसके। और यहाँ पे गाइस आप लोग को करना है स्प्लिट, और पीछे का जो भी सीन है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। अभी हम कुछ ऐसा मतलब क्लिप पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी बीट है और वहीं पे पूरा किल हुआ है। अगर आप लोग का नहीं हुआ है, थोड़ा लेट हुआ है, तो आप लोग इसको ऐसा स्प्लिट करके कर सकते हो, बाकी मेरा एकदम सही है। तो मैं यहाँ पर इसको स्प्लिट वगैरह नहीं करूँगा, यहाँ पर पहला सीन हमारा हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग को स्प्लिट करना है। अब दूसरी बीट यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को दूसरी क्लिप चाहिए और उसका शॉट भी इसी बीट पे आना चाहिए, नहीं आएगा तो आप लोग को स्प्लिट करना है, कट करना है और अच्छे से मैच करना है, ठीक है। तो हम दूसरी अपनी क्लिप को फाइंड करते हैं कहाँ पर किल किया है। सो हमारी दूसरी क्लिप यहाँ पर है, और यहाँ पर भी गाइस हमारी बीट एकदम स्प्लिट करते ही एकदम मैच हो चुकी है। सो इसको भी गाइस हम इतना रखेंगे एकदम बीच में, मतलब यहाँ पे बीट है तो उसके थोड़ा सा आगे आने के बाद में आप लोग को स्प्लिट करना है। तो ऐसा ही करके आप लोग को अपनी हर एक बीट के साथ में अपनी क्लिप को मैच करना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस हमने अपनी सभी गन क्लिप को बीट के साथ में एकदम अच्छे से मैच कर लिया है, और बीच बीच में आप लोग एक दो क्लिप पे स्लो मोशन भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है और इस वाली क्लिप पे डाला है। तो आप लोग बीच में जो भी क्लिप रहेंगी, जैसे कि आप लोग की 20 क्लिप यहाँ पे मैक्सिमम आप लोग को 20 गन की क्लिप चाहिए, ठीक है। तो उनमें से आप लोग दो तीन क्लिप पे बीच में यहाँ पे स्लो मोशन डाल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैंने अपनी सभी क्लिप को एकदम अच्छे से मैच किया है, और लास्ट में भी गाइस आप लोग को स्लो मोशन जरूर से डालना है। जो लास्ट वाली क्लिप रहेगी वहाँ पे आप लोग स्लो मोशन जरूर से डालना। बाकी मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमारी क्लिप ऑडियो के साथ में मैच हो रही है या नहीं। ओ,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एकदम परफेक्ट मैच हो चुका है, ठीक है। अभी आप लोग को क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट वाली क्लिप है इस पर आप लोग को कुछ नहीं करना, लेकिन जो सेकंड क्लिप है उस पर आप लोग को एक बार क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में गाइस आप लोग को उसको एकदम मतलब स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ करके क्रॉप कर लेना जहाँ तक कैरेक्टर है वहाँ तक, और क्रॉप करने के बाद में डन कर दो तो यहाँ पे आप लोग का एक स्क्रीनशॉट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को नेक्स्ट क्लिप पे आना है, यहाँ पे भी आप लोग को ऐसा करके स्क्रीनशॉट लेना है इस जगह का। देन आप लोग को थर्ड क्लिप पे आना है, और थर्ड क्लिप का भी जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसका भी आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग को आना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, और आप लोग को नीचे आ जाना है यहाँ पे कटआउट में, ठीक है। कटआउट में आने के बाद में गाइस आप लोग को यहाँ पे पर्सन को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा हेड यहाँ पे बच गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लेना ऐसे, मतलब यहाँ पे हमको बस एक पीएनजी निकाल ली है, तो आप लोग को यहाँ पे अच्छे से मतलब कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे गन रह गई है तो इसको भी गाइस हम करेंगे। यहाँ पे गाइस हमारी पीएनजी का पूरा काम हो चुका है। अब आप लोग को यहाँ पे डन करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ऐसा ही करके जो आप लोग ने बाकी के दो स्क्रीनशॉट और लिए थे उनकी भी आप लोग को ऐसे ही पीएनजी निकाल लेनी है, तो मैं उसको जल्दी से कर लेता हूँ। पीएनजी निकालने के बाद में आप लोग को फिर से आना है कैपकट एप्लीकेशन में, और आप लोग को यहाँ पे अपनी सेकंड क्लिप पे एक बार क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप लोग को ऐड ओवरले में जाके इस वाली क्लिप की पीएनजी को लेके आ जाना है। ये गाइस हमारी पीएनजी है, इसको ले आने के बाद में आप लोग को इसको अपने कैरेक्टर के ऊपर एकदम अच्छे से लगा देना है, ठीक है। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, और इसको अच्छे से सेट करने के बाद में आप लोग को एनिमेशन में आना है, और यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा स्लाइड करके आना है स्लाइड राइट में, ठीक है। इसके बाद में जो इस एनिमेशन का टाइमर रहेगा उसको 0.3s कर देना। देन आप लोग को क्या करना है, इसको एकदम यहाँ तक रखना है, ठीक है। ये जो आप लोग का यहाँ पे दिख रहा है इसको आप लोग यहाँ तक रखना, और यहाँ तक रखने से पहले इसको आप लोग थोड़ा सा आगे की साइड में कर देना, ताकि पीछे वाली क्लिप पे भी ये दिखे थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा। देन यहाँ पे जैसे ही आपकी सेकंड क्लिप आएगी यहाँ पे आप लोग को स्प्लिट करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं आप लोग को क्या बताना चाहता हूँ, कि जो कैरेक्टर का एनिमेशन है वो सेकंड क्लिप पर आते आते एकदम मतलब रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया, लेकिन वो दिखना चाहिए पहली वाली क्लिप पे, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे अभी बहुत कम दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करूँगा, ताकि हमारा ये पीएनजी का एनिमेशन एकदम परफेक्ट दिखे वर्नेरा 77 के जैसा। यहाँ पे अभी एकदम परफेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे एकदम हमारा कैरेक्टर आता है और इसके ऊपर एकदम सेट हो जाता है सेकंड क्लिप पर। अब आप लोग को क्या करना है, जो बाकी की दो क्लिप हैं इनकी पीएनजी जो आप लोग ने बनाई है उन पे भी गाइस आप लोग को सेम इसी तरीके से सेट करना है, तो उसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे भी गाइस हमने अच्छे से सेट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में गाइस अब जो लास्ट काम बचता है वो है गाइस क्वालिटी बढ़ाने का, ठीक है। उसके लिए आप लोग एडजस्ट में आ जाओ, ब्राइटनेस को आप लोग को यहाँ पे कर लेना है 5। देन आप लोग को सेचुरेशन में आना है, सेचुरेशन को आप लोग 25 कर लेना। देन ब्रिलियंस में आप लोग को माइनस का 15 करना है। देन सर्वन में आने के बाद में गाइस आप लोग इसको कर लेना 80, ठीक है। देन आप लोग को HSL में आके ग्रीन कलर पे आना है और इसकी सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना। देन लास्ट में आप लोग को आना है ग्रैन में, और ग्रैन को गाइस आप लोग 15 से ज़्यादा मत करना, ठीक है। इसके बाद में जहाँ तक आप लोग का सीन है वहाँ तक आप लोग एडजस्ट की लेयर को लगा देना, और इसके बाद में आप लोग को मैं सेव करके फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ।